खबर सूरजपुर से है। 1 दिसंबर से धान खरीदी शुरू होने के बाद सैकड़ों किसानों की मुसीबतें बढ़ गई हैं, जहां अधिकारी और कर्मचारियों की गलती का खामियाजा गरीब किसान भुगत रहे हैं। वही किसान अपना धान बेचने के लिए दर दर भटक रहे हैं, जिसके चलते किसानों का पंजीयन नहीं हो पाया। इधर किसानों का आरोप है कि पटवारी और तहसीलदार की लापरवाही के चलते उनका रकबा घटाकर कुछ क्विंटल कर दिया गया है, जिसके कारण किसान खुले मार्केट में धान कोचियों को बेचने के लिए मजबूर हैं। अब अधिकारी जांच कर कार्रवाई की बात कर रहे हैं। हमारे क्षेत्र में 5 पंचायत जैसे पड़ता है, वो पहले समिति राजपुर था और अभी टुकुडार में आया है समिति नए बन के। इसमें से 5 पंचायत में से कहीं का 50, कहीं का 60, कहीं का 70, ऐसे करके पंजीयन में गड़बड़ी हुआ है। सर ऐसी अभी फिलहाल जो धान खरीदी स्टार्ट हुआ है, इसमें बहुत लोग का पंजीयन हम लोग का रुक गया है ना, नया आवेदन जो डाले थे, और रकबा भी इस वर्ष कम आ रहा है धान का, उससे बहुत धान हम लोग का बच जा रहा है। हमारे जो बहुत से रकबे छूट गए हैं, बहुत कोई का पंजीयन नहीं हुआ है, जिस कारण मेरे पास जो है 6.5 गांव के किसान आए हुए हैं जो नवीन केंद्र टुकुडार के, इनके समस्या को मैं अभी जान नहीं पाया हूँ कि क्या है। आज जो है पूरे फार्म का मैं चेक कर रहा हूँ और सिस्टम में देख रहा हूँ, इसके बाद ही कोई भी समस्या बता पाऊंगा।